आपने सही कहा सर कि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमें बच्चों को शुरू से ही यानी कि प्राइमरी सेक्शन से ही हिंदी की शिक्षा देनी चाहिए कि हिंदी समृद्ध भाषा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां एक राज्य में वहां की मूल भाषा का ज्ञान होना, उसे सिखाना, उसे पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य है, वहीं राष्ट्रीय एकता के लिए, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए हिंदी का ज्ञान भी तो अनिवार्य है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संसद से सड़कों तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आ। हिंदी है पहचान हमारी, मातृभूमि की शान हमारी, हर अक्षर में है रस बसा, इसमें है पूरा जग सजा। हिंदी भाषा न केवल हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लाके न सती को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। भाषा ही एक मात्र साधन है जिसकी सहायता से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते। मेरे लिए प्यारी तुम कुछ ऐसी माँ शब्द के माथे पे लगी चंद्र बिंदी जैसी, मेरी बोली तुम मेरी भाषा तुम, मेरी बोली तुम मेरी भाषा तुम, व्यक्त होती मेरी अभिलाषाओं का माध्यम तुम, मेरे मुख से निकला वह पहला स्वर तुम। घर जाते हैं आशियाने परिंदों के, धर्मत पतझड़ है, धर्मत पतझड़ है, खिल जाती है नई बौर, खिल जाती है नई बौर, फूट जाती है कोपने, फूट जाता है सच्चा झूठ। हिंदी देखो कैसा कमाल कर गई, हम सब का अभिमान हिंदी भारत की शान, हिंदी हम सब का मान भारत की शान ही, सूर कबीर रस खाने की पहचान है। और विद्यार्थियों को मेरा सहर्ष नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। आप जैसा जानते हैं कि पूरे देश में 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा मानी जाती है और हमारी राष्ट्रभाषा है, जैसा कि आपको बड़े सारे वक्ताओं ने यहाँ बताया। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी सर। डॉक्टर मुदस्सिर भट्ट, डॉक्टर शबनम चौकर, डॉक्टर मुक्ति शर्मा, मुझे पता है प्रतिभागी विनायक, दो जजेस जो हमारे थे आपका स्कूल से, इस स्थान पर कौन गेस्ट करेगा दूसरी प्रतियोगिता, जल्दी आइए स्कूल से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भाषा कोई भी हो, उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपकी ही पर्सनैलिटी में निखार आता है। जहाँ तक हिंदी की बात है, तो हिंदी के विषय में मैं ये कहूँगी कि आपको पता है कि हिंदी सिर्फ आप भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी पढ़ी, बोली और लिखी जाती है। तो हिंदी को अगर हम लेके कश्मीर की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन वो उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा मंच नहीं मिल पा रहा है कि जहाँ से वो हिंदी सीख सकें। क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगी कि अगर माध्यमिक स्तर पर भी अगर हिंदी शुरू कर दी जाए, अगर उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के टीचर्स भी नहीं हैं, शिक्षक भी नहीं हैं, तो इस वजह से हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अगर हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, तो उसके लिए पहले हमें
निचले स्तर से ही हिंदी को शुरू करना होगा। उनके अपना खुद का एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। अगर वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं उर्दू पढ़े, कश्मीरी, डोगरी, जो भी हमने सब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर उसमें अगर हिंदी को भी ऐड किया जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा ने पारित किया था कि 14 सितंबर को ये का पारित किया था कि हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी, और तब से 14 सितंबर से दो हफ्ते का ये हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार और इसके उपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें आए, और इसी की कड़ी जो है इसकी हमने जो हमारी जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति और भाषा अकादमी है उन्होंने इसके कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज़ किए थे। इसका पहला कार्यक्रम जो था वो 14 सितंबर को जम्मू में किया था, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करवाई, और पूरे दो हफ्ते में अलग अलग प्रोग्राम करवाए हैं हमारी एकेडमी में जिसने स्टूडेंट्स और बच्चों ने काफ़ी सारे जैसे कविता वगैरह भी उन्होंने पढ़ी, उन्होंने इसमें जो डिस्कशन या डिबेट में भी हिस्सा लिया, और आज हमने इसका जो है अंतिम जो अख्तामी प्रोग्राम जो है वो किया है। इसमें जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनको हमने अप्रिसिएशन जो लेटर और मोमेंटो वगैरह भी उनको दिए हैं, और कुछ ऐसे हिंदी के जानकार हैं जिन्होंने अपनी जो विचार जो हैं अपनी जो अपनी स्पीचेस के थ्रू या अपनी कविताएं या पोइट्री के थ्रू रखे हैं, उन लोगों को भी हमने इस प्रोग्राम में ऑनर किया है। और बेसिकली मकसद यही है कि हिंदी एक जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो उसको सब लोग जाने, सब लोगों को इसमें बात करना आनी चाहिए, और करते भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे जिसको हिंदी आती है वो हिंदुस्तान में कहीं भी चला जाए तो उसको कोई मुश्किल नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, एक हमें बड़ी खुशी की बात है कि जो डिजिटल मीडिया है और जो मीडिया एज सच है उसकी वजह से भी हिंदी के प्रसार में बहुत मदद मिल रही है, और हिंदुस्तान से बाहर भी आप हमारे पड़ोसी मुल्कों में देखें जहाँ जहाँ भारतीय और जहाँ भारतीय मूल के लोग बाहर हैं वो भी हिंदी फिल्में और हिंदी मीडिया जो है उसके थ्रू जो है इसको बढ़ाने में और इसको उपयोग करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं।